हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के 14 जुलाई के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद सेकंड शिफ्ट के और लास्ट में थर्ड शिफ्ट के। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह जो है वो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये किस पार्टी से रिलेटेड है, तो ये आम आदमी पार्टी आप से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि द ग्रेट इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो फ्रेंड्स शशि थरूर जो हैं वो द ग्रेट इंडियन पुस्तक के लेखक हैं। इनके द्वारा अन्य पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि इस तरह से हैं, एन इरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना भी किया था। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना जो है उसको दयानंद सरस्वती ने किया। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता, तो फ्रेंड्स ऑप्शन में रवि कुमार दहिया जी थे, तो ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रवि कुमार दहिया। इसके अलावा मीराबाई चानू भी रजत पदक जीती थी। भारत ने 2020 ओलंपिक में टोटल 7 पदक जीते थे, तो कौन कौन से पदक थे, तो एक गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो है वो कांस्य पदक जीते गए थे। तो देख लेते हैं किसने किसने मेडल जीते थे, तो लवलीना बोरगोहेन जो है वो ब्रांज मेडल जीते थे वोमेंस वेल्टर वेट 64 से 69 किलोग्राम में। पीवी सिंधु जो है वो ब्रांज मेडल जीती थी वोमेन सिंगल्स बैडमिंटन में। रवि कुमार दहिया जो है वो सिल्वर मेडल जीते थे मेंस फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम में। इसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी जो है वो ब्रांज मेडल जीती थी। बजरंग पुनिया जो है ब्रांज मेडल जीते थे मेंस 65 किलोग्राम रेसलिंग में। ध्यान दीजिएगा मीराबाई चानू भी सिल्वर मेडल जीती थी, तो 2 सिल्वर कौन कौन जीते थे, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू जो हैं वो सिल्वर मेडल जीती थी। अपना एक गोल्ड मेडल आया था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था मेंस जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2020-21 जुलाई 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 138वें सत्र की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आदर्श वाक्य से रिलेटेड, जो कि आदर्श वाक्य था पहले CTS LTS 4TS, इसको चेंज करके CTS LTS 4TS कम्युनिटियर करने का निर्णय लिया गया। अगला है कि टोक्यो 2020 में 4 नए खेल शामिल किए गए, कौन कौन से थे, कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बेसबॉल जो कि बंद हो चुका था उसको फिर से शुरू किया गया, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा सकता है कि समापन और उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, तो फ्रेंड्स टोक्यो 2020 की कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जो हैं, और इसके अलावा मैरी काम जो हैं ये उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक रहे। समापन समारोह में बजरंग पुनिया जो हैं वो ध्वजवाहक रहीं। ध्यान दीजिएगा उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और मैरी काम तथा समापन समारोह में बजरंग पुनिया। ध्यान दीजिएगा 2024 का जो ओलंपिक समर ओलंपिक है वो पेरिस में होगा और 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स USA में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्लॉक पहाड़ों में ऊपर उठे हुए ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसको हॉर्स्ट बोलते हैं, तथा नीचे दबे हुए ब्लॉक को ग्राबिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंबुबाची मेला किस राज्य में और किस महीने में होता है, तो फ्रेंड्स अंबुबाची जो मेला है ये प्रत्येक साल जून महीने में
असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में होता है। इनमें से कौन पार्श्व गायक और अभिनेता दोनों थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन में किशोर कुमार था, तो किशोर कुमार जो है वो पार्श्व गायक और अभिनेता दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गुजरात के हजीरा से हजीरा गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को किस राज्य से जोड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश के विजयपुर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपका था कि कला मंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो फ्रेंड्स इनका जो संबंध है वो मोहिनी अट्टम से है। बगरुम्बा लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बगरुम्बा जो लोकनृत्य है ये असम राज्य से संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप नौका दौड़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बल्लम काली के नाम से जानते हैं इसको और ये केरल का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नागर और द्रविड़ शैली कहाँ से संबंधित है? तो फ्रेंड्स नागर शैली जो है वो उत्तरी भारत से, जबकि द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिणी भारत से संबंधित है। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा, अगर दोनों पूछा होगा तो आपका आंसर होगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत, अगर एक ही पूछा होगा तो आपका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश से संबंधित हैं। इसके अलावा पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दंती दुर्ग किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। इसके पिछले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो उसका राइट आंसर रहा दंती वर्ग। इसमें उस क्वेश्चन का उल्टा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2007 में जम्मू कश्मीर में शुरू की गई बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है लैवेंडर फार्मिंग से। अगला क्वेश्चन है कि फीता क्रिम किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स प्लेटी हेलमिंथिस के अंतर्गत आता है फीता क्रिमी। जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद या फिर SDC के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स वित्त मंत्री जो होती हैं वो वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की अध्यक्ष होती हैं और इस टाइम भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स कानून की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका के शक्ति का प्रदर्शन जो होता है वो न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है। इसके आगे हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि राउत नाचा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के शैला गौर मैरैया पंथी राउत नाचा पंडवानी शैला लड़की चंदैनी बेदमती ये सभी नृत्य जो हैं वो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल, अंगूर व इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2022 में किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स वो है दीपिका पादुकोण। अगर आपसे पूछा जाए किस अभिनेता को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट 2020 से सम्मानित किया गया तो उनका नाम है आयुष्मान खुराना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यमुना नदी गंगा से कहाँ पे मिलती है? तो फ्रेंड्स ये प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बीरागेश लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बीरागेश जो लोकनृत्य है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य के लोकनृत्य इस प्रकार से हैं यक्षगान हुत्तारी डोलू कुनिथा करगा लंबी बीरागेश हुलिवेसा कामसले सुग्गी जोगिथी नृत्य ये सभी जो नृत्य हैं ये सभी कर्नाटक से संबंधित नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारहुत बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये देवार मध्य प्रदेश के देवार में स्थित है और इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता, तो फ्रेंड्स इसको जीता है मैक्स वर्स्तप्पन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 29-30 इस जो कि सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं और ये जो वंदे मातरम गीत है ये आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो फ्रेंड्स 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन था कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है या नहीं होती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है आइसोलेटेड सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है या किसका नियम है, तो फ्रेंड्स ये जो नियम है ये मांग का नियम है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब दिया गया, तो फ्रेंड्स 1983 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और ये जो है कथक नृत्य से संबंधित हैं, कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पे स्थित है, तो फ्रेंड्स बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि नेकचंद सैनी का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स इनका नाम जो है वो रॉक गार्डन से जुड़ा हुआ है, ये चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूर की वस्तु किसकी मदद से देखी जा सकती है, दूर की वस्तु किसकी मदद से देखी जा सकती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी से। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड्स अरविंद पनगढ़िया जी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई, तो फ्रेंड्स कांचीपुरम में पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी बनाई और ये कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फ्रेंड्स इनका संबंध जो है वो चित्रकारी से है। भारत में सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम बेरोजगारी है। बायोगैस किससे बनाई जाती है, तो फ्रेंड्स बायोगैस जो है वो किण्वन से बनाई जाती है। इसके आगे हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स 1951 में आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई। जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल के बाद होती है और जो जनगणना स्टार्ट हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो फ्रेंड्स बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य से संबंधित हैं और ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। कोको कोला या थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो फ्रेंड्स इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान जी। अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है, तो फ्रेंड्स ये असम में लगता है, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2008 के ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता था 2008 के ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो फ्रेंड्स टीपू सुल्तान का जो शासनकाल है वो 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक रहा। टीपू सुल्तान का जो पूरा नाम है वो है सुल्तान फतेह अली खान साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 243 से ए से लेकर 243 ओ तक पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है। बीके सिंह के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है करेज एंड कन्विक्शन। मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर किस व्यक्ति का नारा है, तो फ्रेंड्स ये श्री नारायण गुरु का नारा है। अगला क्वेश्चन है कि संग्राही नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम यूपीआई ऐप के क्यूआर कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना, तो फ्रेंड्स पहला देश है भूटान जिन्होंने भीम यूपीआई ऐप के क्यूआर कोड को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 6 में कितने आर्टिकल हैं, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक भाग 6 के आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में आपके राशन आपके द्वारा किसने शुरू किया था, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा राशन आपके द्वार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की, मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।